हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आंगनबाड़ी केंद्र की लेटेस्ट न्यूज। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में लापरवाही संबंधित, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सुपरवाइजर CDPO संबंधित लेटेस्ट न्यूज। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी सेविका किस प्रकार से सरकार के कार्यों में अपनी रुचि ना दिखाकर सभी सेविकाओं के नाम को खराब करने की काम कर रही हैं। क्यों कुछ सेविकाओं के कारण ही आंगनबाड़ी सेविका की नाम खराब हो रही है, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एक आंगनबाड़ी सेविका का व्यवहार, दो आंगनबाड़ी सेविकाओं का व्यवहार, इस प्रकार से देखा देखी सभी सेविकाओं का जो है अपने कार्य के प्रति रुचि कम होते जा रही है, जिसकी वजह से सरकार के नज़रों में आंगनबाड़ी सेविकाओं की स्थिति भी गिरती जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें हम लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखेंगे कि बरसोई अनुमंडल क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत ठीक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो है कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी खुद हो करके आकर गए हैं, उसके बाद से वहाँ पे एक DPO और दो CDPO को भी निलंबित किया गया है। उसके बाद भी वहाँ की सेविकाओं में मनमानी नहीं हट रही है। वहाँ की कुछ सेविकाओं के कारण पूरी बरसोई की सेविकाओं का नाम खराब हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, और यदि यह स्वयं सेविका यह वीडियो देख रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सचमुच इस तरह का ही जो है कि जब आपका सेंटर जांच हुआ था तो इसी प्रकार से सब व्यवस्था था या कुछ व्यवस्थाओं में चेंजिंग था। देखिए, मदरलैंड संवाददाता बरसोई कटिहार, बरसोई में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बदहाल। कहीं केंद्र में ताला लटका नजर आ रहा है तो कहीं सेविका के पति गाना सुनते नजर आए, कहीं बच्चे नदारत रहे, कहीं केंद्र से बता दे कि सरकार के द्वारा नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका की बहाली की गई है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए पोषाहार योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि 100% बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। आज तो हद हो गई, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 170 मदरगाछी में केंद्र में ताला लटका मिला। केंद्र संख्या 134 सबनम आर सेविका केंद्र में केवल 7 बच्चे उपस्थित थे। केंद्र संख्या 253 मिस्त्री टोला में एक भी बच्चे नहीं थे। केंद्र संख्या 373 में एक भी बच्चे नहीं थे। केंद्र संख्या 259 चंदपारा पूरब टोला में बच्चे केंद्र पर नहीं थे। चापाखोर केंद्र संख्या 195 में ताला लटका हुआ था। चापाखोर केंद्र संख्या 314 आंगनबाड़ी में सेविका के पति मोबाइल में गाना सुनते नजर आए और एक भी बच्चा नहीं था। केंद्र संख्या 159 में मात्र 3 बच्चे थे, केंद्र में खेल रहे थे, सेविका मोबाइल में मगन थी। केंद्र संख्या 146 में ताला लटका हुआ मिला। वही इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद शमसुल मोहम्मद याकूब गयासुद्दीन अजय कुमार ने बताया कि भगवान भरोसे चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे बच्चे को नहीं मिलता है, कभी कभी केंद्र खुलते भी नहीं हैं, CDPO की मिलीभगत के कारण केंद्र सही तरीके से संचालित नहीं होते हैं तथा सरकार की योजनाओं का लाभ से सेविका वंचित रहती हैं। वही इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बबीता कुमारी ने कहा कि सभी सेविकाओं को हिदायत दी गई है कि केंद्र खोलकर सरकार के नियम के अनुसार कार्य करें, जो केंद्र बंद थे उसकी जांच करवाई जाएगी, दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। आप यहाँ फोटो देखिए, कहीं पर जो है कि कपड़े टंगे मिल रहे हैं, कहीं पर एक सेविका है, कहीं देखिए केंद्र पर ताला लटका मिला है, कहीं एक भी बच्चे नहीं हैं, और यहाँ भी केंद्र पर जो है कि कपड़े पसारे गए हैं। तो इस तरह का व्यवहार सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए मन को दुखित कर देने वाला काम है। मैं उन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह का व्यवहार ना करें, क्योंकि कुछ सेविकाओं के काम ना करने के कारण समस्त सेविकाएं बदनाम होती हैं। और मैं वहाँ के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से भी यह रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि इस तरह का मैटर आता है तो आप इस पर ज़रूर सख्त कार्यवाही करें ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं बेहतर तरीके से काम कर सकें और सभी सेविकाओं का नाम खराब ना हो। ऐसी ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
सभी दोस्तों को नमस्ते।